नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स बाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों, ड्राइवर भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आज की डेट में मैं लेके आया हूं। जी हां दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक ऑटो लेना चाहते हैं उन ड्राइवर भाइयों के लिए एक खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बताया है कि बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो जो है कंपनी, बजाज इलेक्ट्रिक ऑटो कंपनी जो है जल्दी ही अपने इलेक्ट्रिक ऑटो को लॉन्च कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे भारत में लॉन्च होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, दिल्ली के जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं जो इलेक्ट्रिक ऑटो लेना चाहते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि उनकी जो LOI है उसकी डेट नहीं बढ़ी थी। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कि जब तक बजाज का इलेक्ट्रिक ऑटो आएगा तब तक हमारी जो LOI है वो वैलिड रहेगी तो या नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं LOI की डेट के ऊपर आपको खुशखबरी देने वाला हूं। वैसे तो काफ़ी दिनों पहले से ही मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया था, लेकिन पक्का सबूत या पक्की जानकारी मेरे पास नहीं थी। कुछ खबरें मिली थी डीलरों के माध्यम से, जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया था कि LOI की डेट बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब आज की डेट में मेरे पास सरकारी डॉक्यूमेंट है, यानी कि सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है LOI की डेट बढ़ाने के लिए, वो ऑर्डर मेरे पास आ चुका है। अब मैं पक्के सबूत के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि हाँ, LOI की डेट बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, LOI की डेट बढ़ चुकी है। और कितनी बढ़ी है LOI की डेट, वीडियो में एंड तक जरूर देखना दोस्तों, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार ट्रांसपोर्ट से जुड़ी और दिल्ली ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी, RTO से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है, जो LOI की डेट है, जो इलेक्ट्रिक ऑटो LOI की डेट है, उसका ऑर्डर मैं आपको दिखा दूंगा। अभी दिखा दूंगा यहाँ पे क्या ऑर्डर है, उसमें क्या क्या जानकारी लिखी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से, ऑटो रिक्शा यूनिट की तरफ से बुराड़ी, वहाँ से ये ऑर्डर निकाला गया है। तो दोस्तों, ये ऑर्डर जो है 12/8/2022 को ही बन गया था, लेकिन दोस्तों आज ये मेरे पास आया है और साइट पर भी अभी आया, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने जो है इसे जारी किया है। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए, आपकी जो LOI है, जो मिली है LOI और आप ऑटो रिक्शा लेना चाहते हैं, तो आपको इसकी जो है रजिस्ट्रेशन 31/7/2022 जो इसकी डेट थी पिछली जो निकल चुकी है, उसको बढ़ा के अब नीचे देख सकते हैं आप 31/10/2022 कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि इसको हमने बढ़ाया है, इसलिए बढ़ाया है कि आप अपना PSV बैच बना सकें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, कुछ ड्राइवर इसमें नए नए जुड़े थे, जिन्होंने नया नया लाइसेंस बनाया था, या फिर जिनके पास PSV बैच नहीं था, सिर्फ लाइसेंस था, उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया था। तो ऐसे में उनको ये टाइम दिया गया है कि आप अपना 31/10/2022 से पहले पहले अपना PSV बैच बना लें और इससे पहले ही आप इलेक्ट्रिक ऑटो का रजिस्ट्रेशन करवा दें, ठीक है दोस्तों। तो ये सरकार ने जारी कर दिया है ऑर्डर, 31/10/2022 तक इसकी वैलिडिटी बढ़ा दी है। हो सकता है कि ये लास्ट टाइम पे बढ़ाई हो, इसके बाद ना बढ़ाए। तो दोस्तों, इससे पहले आप अपना इलेक्ट्रिक ऑटो जरूर रजिस्ट्रेशन कर देना। तो दोस्तों, ये था दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किया गया LOI के ऊपर ऑर्डर। तो अब दोस्तों, आपको 31 अक्टूबर 2022 आप अपना इलेक्ट्रिक ऑटो ले सकते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हो सकता है अगर आपकी किस्मत ने साथ दिया तो दोस्तों, जब तक बजाज का इलेक्ट्रिक ऑटो भी मार्केट में आ जाएगा तो आप अपनी मनपसंद गाड़ी बजाज इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्ट्रिक ऑटो ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी इलेक्ट्रिक ऑटो LOI के ऊपर, LOI की डेट बढ़ा दी गई है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।